कल शाम में फ़ोन आया अल जवाहर से अख्तर भाई का, उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। कुछ हुक्म सिर्फ तामील के लिए होते हैं, सवाल नहीं किया जा सकता। मैं आज इतवार के दिन यहाँ मौजूद हूँ, मेरे ख्याल में ऊपर बैठे होंगे। आइए देखते हैं क्या बात है, क्यों बुलाया है, क्या माजरा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार चल कर देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम अकरम भाई, खैरियत से? भाई का हुक्म था कि आके मिलिए, बैठे हैं क्या? ऊपर ही बैठे हैं, इजाज़त है? आ जाओ भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाई, मैं भी यही बता रहा था लोगों को कि बड़े हैं, हुक्म था कि आके मिलिए और मैं आ गया। क्या माजरा है पता लगेगा, कोई डांट तो नहीं पड़नी, क्या होना है, कोई कान तो नहीं खींचे जाने। बैठिए ना भाई, तशरीफ रखते हैं जी। सब खैरियत है? पहले तो ये बताइए जी, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ, शुक्रिया। और आपको बुलाने का ज़रा सा ये था मकसद कि आज दिल्ली शहर में अल जवाहर का नाम है, आप थोड़ा जानते ही। कस्टमर बहुत शिकायत करते हैं कि जी हमें दिल्ली में और जगह आपका खाना नहीं मिल पाता। जाहिर है शिकायत उनकी जी, असल में यही है भाई, मैं फ्रेंचाइजी देता क्योंकि हाँ, ये मैं जानता हूँ। अपने नाम से जो खुद को प्यार होता है, दूसरा उसको प्यार को निभा नहीं पाता। तो अब मैंने शुरुआत इस तरह करी है कि एक जीके में छोटा सा टेक अवे आउटलेट बनाया है। ओके, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पहले तो मुबारक जी, क्या बात है। और मेरी कोशिश जारी है कि सिटिंग भी जल्दी करूं। तो बहरहाल इसी ने आपको तकलीफ देनी थी कि मैं आपके माध्यम से माशाल्लाह आपके व्यूअर्स को मैं बताऊं कि जीके कहां हमने ब्रांच खोली। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और ये लोगों की शिकायत जायज़ है क्योंकि देखिए टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी जगह से एसोसिएट कर देता है। तो टेस्ट के लिए आपको फिर सारे हर्डल्स भी फेस करने पड़ते हैं और अगर ये हर्डल्स थोड़े बहुत माइनस हो जाएं, उसकी अख्तर भाई ने शुरुआत की है जी के में, बता रहे हैं कि ब्रांच खोली है, फिलहाल टेक अवे है और वहाँ चलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ चलूँगा। बस ये चाय पीते हैं और चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं फिर भाई। बिल्कुल जाइए भाई, चलते हैं। अच्छा जी, तो तय हुआ कि अभी चलते हैं और आउटलेट को भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे और हो सका तो उस टेक अवे पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चक्कर भी देखेंगे। तो इस चखने में, जाने में, खाने में साथ रहिएगा। अचानक से फिर ये प्रोग्राम बन गया कि क्यों ना फिर उस आउटलेट पर भी जाया जाए और अख्तर भाई साथ में है, उन्हीं की गाड़ी में मैं हूँ और हम जा रहे हैं अल जवाहर जी के। भाई कौन से एरिया में है वहाँ पर? जी ये जी के टू मेन सावित्री सिनेमा, चल के देखते हैं। बता रहे हैं कि खाने जो हैं वहाँ पर बहुत इन डिमांड है, अब जाहिर है तो कुछ स्नैक्स चखेंगे, कुछ कबाब। हाँ रिजवान बेटा, हम आ रहे हैं वहाँ, थोड़ा सा अपना लाजपत नगर है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अचानक प्रोग्राम बन गया हमारा तो आज यही है भाई, और हम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा साफ सफाई देख लेना। थोड़ी सी लोकेशन समझाइए, कहाँ पर खड़े हैं? बिल्कुल, बहुत इजी है लोकेशन, यहाँ ये काफी पुराना ये सावित्री सिनेमा है, तो ये उसका रास्ता है और उसके बराबर में बिल्कुल लोकेशन है। ये बड़ा अच्छा एक लैंडमार्क ये है कि सावित्री सिनेमा के बिल्कुल बराबर में, वही मेरे ख्याल में खुशबुएं तो मुझे आने लगी हैं। अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या जलवे यहाँ पे, ये उन्हीं खानों के बिखेर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक अल जवाहर का खाना पहुँच सके। आप स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर सकते हैं। अंदर चलकर देखते हैं अख्तर भाई के साथ कि यहाँ किस तरह का सेटअप है, क्या खुशबुएं हैं अंदर जो मुझे वहाँ से कनेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। आइए देखते हैं। आइए सर, बाहर इनका क्योंकि ये टेक अवे है, छोटा सा काउंटर है इसका, बिलिंग का और डिलीवरी का है। अंदर ये किचन है जहाँ पर जाए बगैर हमें चैन नहीं पड़ता, ये किचन का एरिया है। तो सेटअप छोटा सा है लेकिन मुकम्मल है। अख्तर भाई की जो आदत है, ये फ्रेंचाइजीज नहीं देते, वो इसलिए क्योंकि वो टेस्ट अपने हाथ से आपकी टेबल तक डिलीवर करना चाहते हैं। इनकी बहुत ज़बरदस्त कमांड रहती है। भाई क्या क्या सेटअप लगाया है यहाँ पर? सर यहाँ छोटी सी जगह में हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हाँ। ये सिक्का आपकी अंगीठी है, ये हमारा तंदूर रोटी वाला तंदूर है जो गैस का होता है, और ये कोयले वाला तंदूर है जो हमारा तंदूर चिकन बारबेक्यू जितने आइटम है सब इसमें आते हैं। इधर हमने
तवा सिस्टम रखा है, फरीफान का काम, तवा का काम, जो हमारे चंगेजी, बटर चिकन, ये सब यहाँ तैयार होते हैं। सही है। और ये हमारा पैकिंग सेक्शन है। सही है। अच्छा, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि किसी भी जगह के खाने का जायका वहाँ के मालिक के मिजाज से बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो मुझे यकीन है अख्तर भाई के मिजाज से मैं भी वाकिफ़ हूँ और मेरे चैनल को देखने वाले भी वाकिफ़ हैं। बेहतरीन आदमी है, यारों के यार हैं और हंसमुख और खुश मिजाज आदमी है। ये खुश मिजाजी, ये मुस्कुराहट जायके में ज़रूर झलक मारेगी। यहाँ का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना अख्तर भाई कुछ खा के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सही है। अख्तर भाई ने हमें एक फ़ोन करा था कल, हम हाथ जोड़कर हाजिर हो गए। पता लगा है कि खुशखबरी है कि जी के में अब ये खाने अपनी खुशबू बिखेरने लगे हैं। मज़े तो वही होंगे, सारे जायके वही होंगे, लेकिन खाने आज हम ये जामा मस्जिद के बजाय जी के टू में बैठकर खा रहे हैं। डिटेल्स सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करते हैं। अख्तर भाई कहाँ से शुरू करें? सर ये आप काकोरी से स्टार्ट कीजिए। चलिए साहब, ये काकोरी अभी नया इंट्रोड्यूस किया। जी जी, कस्टमर डिमांड। काकोरी जो है नया शुरू किया गया है, अल जवार पे मैं बैठा हूँ। अख्तर भाई मेरे साथ बैठने, पहला निवाला उन्हीं के लिए है। बिस्मिल्लाह कीजिए सर। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, अब मैं ट्राई करूँगा बगैर चटनी के, देखेंगे जैसे हमारी आदत है। तो भाई काकोरी और नॉर्मल में फ़र्क क्या होता है? सर रेसिपी अलग होती है। ये प्लेन कीमा होता है, इसमें कुछ मसाले जाते हैं। काकोरी लेकिन स्पेशल होता है, इसमें ब्राउन प्याज, काजू। खुशबू बहुत है, खुशबू बहुत है जी, और इससे बिल्कुल मुख्तलिफ खुशबू है। हाथ के हाथ एक नॉर्मल वाले मटन कबाब का भी बाइट लेकर देखते हैं, डिफरेंस पता लगता है। वही पुराना है जो हम जावेद पर खाया करते हैं अल जवार पर जाके। ये थोड़ा सा नया है क्योंकि ये इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नया किया। एक चीज़ और नहीं बता रहे थे, ये गलौटी कबाब। तो साहब ये गलौटी कबाब भी चेक करते हैं, उसके बाद दूसरे आइटम्स पर जाएंगे। बहुत अलग रंगत है अंदर से, एकदम सुर्ख सुर्ख हो रहे हैं। भाई आप लीजिए ना साहब। जी, एक बड़ी अच्छी बात अख्तर भाई कई बार कह चुके हैं, आज भी इन्होंने दोहराई, तो दूसरों से हटकर हो तो आपकी कुछ आइडेंटिटी बनती है। वो सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, गलावटी कबाब ज़रूर है। जैसा गलावटी को नरम होना चाहिए वैसा नरम है, लेकिन जायका अलग है, रंगत अलग है। थोड़ा सा चटनी के साथ भी इसको लेकर देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा मसाला हल्का है। जी, थोड़े हल्के मसाले हैं। मटन बर्रा ट्राई करते हैं। अब अपनी इन पुरानी आइटमों पर आ जाते हैं। मटन बर्रा की खासियत यह है कि मसाले आधा गला देते हैं जब ये मैरिनेट होकर रखा जाता है। ये एक दिन पहले मैरिनेट करना पड़ता है। बताइए अब इससे ज़्यादा क्या इसकी खातिर की जाएगी कि इसको एक दिन पहले से मसाले लगा के रखा जाता है। बहरहाल खासियत यह है कि ये बॉइल नहीं होता ना। नहीं, ये कच्चे मीट पे मसाले लगा के 24 घंटे पहले रख दिया जाता है। खासियत ये आधा मसालों से गला लिया जाता है, जो रह जाती है वो कसर कोयले अपनी खुशबू के साथ साथ पूरा कर देते हैं। सर बहुत ज़बरदस्त है, और ऑब्वियसली मैं कुछ खाने ऐसे हैं जिनको मैं कह देता हूँ भाई मैं इनको रिव्यू करने नहीं आया, सिर्फ इनका मज़ा लेने आई हूँ, उनमें से ही है। जवार बहुत बड़ा नाम है, बहुत पुराना नाम है, मैं इसको रिव्यू करने की कोई औकात नहीं रखता। अख्तर भाई साथ बैठे हैं, मुझे ये बहुत खुशी है। खैर, ये हमारा शामी है। ये शामी आपका मैं पहली बार ले रहा हूँ, पुराने वाले वीडियो में हमने शामी नहीं ट्राई किया था। ये भी मटन में? जी मटन। सब में अपनी अपनी अलग खुशबुएं हैं, अलग जायके हैं, अलग शक्ल सूरत है, अलग रंगत है, अलग प्रेजेंटेशन है और अलग मिजाज है। इन सारी चीज़ों के टेस्ट में अख्तर भाई का मिजाज शामिल है, महसूस कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। एक निवाला इस काकोरी का और मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि एक नया टेस्ट है रोटी के साथ, चटनी के साथ लीजिए। हाँ, रोटी के साथ क्या कहता है एक बार देखते हैं। रोटी और चटनी, अब इसके फुल लवाजमात के साथ, बल्कि एक प्याज भी इसमें डाली जाए, तो एक निवाला रोटी के साथ काकोरी का देखते हैं। मिजाज नया है, खा के बता। हम खुद खा के हमें मज़ा ना आए तो हम उस चीज़ को, वही कस्टमर को जो पैसे दे के खा रहा है, जब हमें मज़ा नहीं आएगा तो पहले आपको अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल, आपको अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये बड़ा नरम मिजाज कबाब है, सॉफ्ट है, मसाले हल्के हैं, खुशबुएं ज़्यादा हैं, रोटी से भी बहुत अच्छा लग रहा है। भूखा तो अच्छा लगता है, ये मुंह में घुला जा रहा है। ये वही इनका मटन सीख कबाब,
जब जामा मस्जिद पर खाने जाते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट है। मटन बर्रा मैंने चखा, ज़बरदस्त है। मैं खा ले सर, मेन कोर्स मंगा लें? बिल्कुल, कुछ आइटम्स मेन कोर्स में ट्राई करके जाएंगे। अब आए हैं तो जिस जिस चीज़ पर भी हमारी मोहर लगी है सब चीज़ें खाएंगे। स्टार्टर्स हमारे निमट गए, कुछ और दूसरे आइटम्स जो मेन कोर्स की थी वो भी चेक करनी बाकी थी। ये मेरा बेटा है, आइए। अच्छा जी, तो ये आउटलेट जो है वो आरिस संभालते हैं। आरिस, बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू सो मच। मैंने अपने आउटलेट को थोड़ा मॉडर्न लुक दिया है, बाकी जो टेस्ट हमारा ओरिजिनल है वो मेरे फादर से। वो तो है ही, वो पुराने जो जायके हैं वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो। के आइटम्स हमने मंगा रखे हैं यहाँ पर। एक है वही कोरमा जो आप हमेशा जामा मस्जिद पर जाकर जवार पर खाते हैं, एक है वही मटन नहारी जो आप हमेशा पसंद करते हैं, और दूसरी एक आइटम है बटर चिकन। बटर चिकन मैंने इनके पहले वीडियो में खाया नहीं था। लास्ट टाइम हमने बटर चिकन नहीं खाया था, बटर चिकन नहीं, तवा चिकन और चंगेजी खाया, तवा चिकन और चंगेजी खाया था। आज इस खमीरी रोटी के साथ एक बार इस बटर चिकन से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, बटर चिकन मैं कई बार कह चुका हूँ कि इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इतने लोग बना चुके हैं कि इसका जायका पैदा करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसका टेस्ट सब जानते हैं। अच्छा, तो बटर चिकन का एक भरपूर सा निवाला ट्राई करते हैं। बड़ा कोजी सा जायका है, बड़ा बड़ा गद्देदार सा जायका है, थोड़ा मिठास पे है, और वो मिठास इस हद तक है कि आपको बुरी ना लगे। अच्छा लग रहा है, नमकीन रोटी है, हल्का सा स्वीट इसका ये ग्रेवी है, ये मसाला है, चिकन पहले से रोस्ट किया हुआ है, ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम देखते हैं, नहारी लास्ट में देखूंगा, पहले ये कोरमा करते हैं। कोरमा जो है वो जब गोश्त गला हुआ हो अदरवाइज तब ज़्यादा मज़ा देता जी, बिल्कुल। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा सा सख्त अच्छा लगता है, लेकिन मेरी पसंद यही है कि गला हुआ हो। ये बड़ा कीमती निवाला है जो मुँह में जाने वाला है। वाला खाते वही दिन याद आ गया जब हम आप एक साथ बैठे थे टेबल। बिल्कुल 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 वही जायका है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जायके खुशबूएं और मौसीकी आपको उसी दुनिया में पहुँचा देती है जब आपने वो खाए चखे या सुने होते हैं। बेहतरीन कोरमा है, दरदरा मसाला है, नहारी की ग्रेवी आप देखेंगे स्मूथ है, कोरमे की ग्रेवी आप देखेंगे कि अनस्मूथ है, यही होना चाहिए और यही बारीकियाँ हैं। जामा मस्जिद में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो रेस्टोरेंट है बोल जवाहर। थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट होता है जो नज़र आ रहा है, और ये जो ग्रेवी है हमेशा आपको स्मूथ मिलेगी नहारी की। एक निवाला भरपूर सा लेते हैं, ये नहारी का निवाला, मैं ज़्यादा देर इसके लिए नहीं रुक पाता हूँ, तो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। सटीक टेस्ट, वही सटीक टेस्ट, अक्सर भाई कमाल है। मेरे ख्याल में आरिस को आपने खानों की भी ट्रेनिंग दे दी है शुरू जी, अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं सिखाने के लिए। जबरदस्त, बाकी जो मेरा ये मटन नहारी मटन कोरमा स्पेशल जामा मस्जिद से ही बन के आ रहा है। वेरी नाइस, अभी वहीं से आप इसको यहाँ ला रहे हैं बना कर। इसका मतलब ये है जामा मस्जिद से जायका उठा कर यहाँ ला के रख दिए गए हैं, तब आपने आना है और ग्रहण करना है। खाने ज़बरदस्त हैं, थोड़ी देर के लिए कैमरा हमेशा की तरह बंद करेंगे, इनको फिनिश करेंगे, उसके बाद आखिर में आपसे एक बार बात। आज यहाँ आना बिल्कुल भी प्लान नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आए, बस अख्तर भाई ने बुलाया, उनका हुक्म था, मैं सीधा घर से आ गया। और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि एक नई आउटलेट खुली है, तो जब ये पता लग गया कि नई आउटलेट खुली है तो वहाँ जाना भी हमारे लिए तो ज़रूरी हो गया। यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे भी। आरिस मेरे साथ खड़े, आरिस मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे कस्टमर्स की अल जवाहर फैमिली की डिमांड आ रही थी कि आप लोग सिर्फ रेस्टोरेंट में ही खाना सर्व करते हो, सर कुछ नया सोचा ये कि उनके घर में केटरिंग क्यों नहीं कराई जाए, स्मॉल गैदरिंग से लेके बड़ी ह्यूज गैदरिंग का ऑप्शन है मेरे पास। मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंक यू सो मच यार, और आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपके जायके ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है जी, तो जायके चख लिए, जामा मस्जिद से यहाँ तक का इस जायके का सफ़र देख लिया, अख्तर भाई के साथ आए, खाना भी खाया, टेबल शेयर की। अब मुझे यानी मोहम्मद याए को अल जवाहर जी के से इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार हूँ एक्सपोजर, ठीक है। अख्तर भाई अल जवाहर के
कल अख्तर भाई का फोन। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप निकल जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ वाले दोबारा लेंगे। दोनों आ रहे हैं फ्रेम में, उस पे चले जाओ तो और अच्छे आएंगे। एक मिनट रोक दो, सर को माइक दूंगा। कुछ पक्के उसूल हैं अख्तर भाई के एक तो किसी को सकते हैं नहीं, बस इतना ही छोड़ देंगे, फ्रेंचाइजी नहीं देते। चलेंगे या कुछ काम है तो रुक गए? सिर्फ पानी मंगाया आपके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो यार ये घर, थोड़ा पीछे जाओ। ठीक आ रहे हैं दोनों आ रहे हैं, थोड़ा क्लोज हो जाऊँ अब, सही है स्टार्ट। घबरा नहीं, अंदर आप ले जाओ तो दोबारा साफ करके लेके आओ, साफ करके लेके आओ। और एक कपड़ा अंकल, ये शॉर्ट है ना थोड़ा सही नहीं हुआ, क्योंकि हारिस नहीं आरिस। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल ये और उमर इस साइड आओ, इनका चेहरा नहीं आएगा, टेस्ट है वो मेरे फादर। आपके जायके जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल। अभी अंकल कह रहा है सब काटूंगा एडिटिंग में, आते रहिए आते रहिए। थैंक यू, बड़े होना अंकल तो छोड़ नहीं सकते, इतना मजा आपको चलता है ना।